सबसे पहले तो अंधेरी सबर्पण हलाय मेमन जमात ट्रस्ट को बहुत बहुत मुबारकबाद कि उन्होंने इतना बड़ा मेगा मेडिकल कैंप जो आज आयोजित किया, क्योंकि जैसे आपको पता है कि ये पैंडेमिक के सिचुएशन में बहुत सी बार लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, और अंडर वन रूफ मुझे लगता है उन्होंने सारी ही जितनी भी इलाज है उसका प्रबंध किया है। इसके अलावा कल जो है वो जॉब फेयर भी रखा गया था, जिसमें जो बड़ी तादाद में ज्योतिषपुरी के नहीं मुंबई के अलग अलग इलाकों से लोग यहाँ पर आए थे, खासकर मुंबई यहाँ पर आए थे जॉब के लिए। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, इस तरह का आयोजन करना सबसे बड़े काबिल तारीफ की बात है। मेमन जमान ट्रस्ट जो सभी सामाजिक कार्यों से जुड़ा हुआ है, और मेरा इनके साथ एसोसिएशन बहुत ही पुराना बहुत सालों से है, और मुझे लगता है वो समाज के हर अंगों के साथ काम करते हैं, और जैसे हमने देखा जो ये जॉब फेयर था इससे यूथ को बहुत फ़ायदा पहुंचा, और लगभग जैसे मुझे रजा भाई से पता चला कि काफ़ी 400 के करीब यूथ एम्प्लॉयड भी हुए। इतने सारी कंपनीज़ को बुलाना और यूथ को मोटिवेट करना कि अपने आप में आज सबसे बड़ी बात है कि आज जो अगर आप लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे तो इससे बड़ी सेवा कुछ नहीं हो सकती है, और उन्होंने सचमुच बहुत बड़ा योगदान दिया है समाज के प्रति। देखिए जैसे मेरा हमेशा एक ही गुरु मंत्र रहता है जो पिछले 40 सालों से हम काम कर रहे हैं, समाज में अमन और शांति, ये मेरा संदेश घर घर तक पहुंचना चाहिए, और मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों से ये जो भावना है ये लोगों में ज़रूर उत्पन्न होगी। ये समाज को इकट्ठा लाने के लिए एक बहुत बड़ा योगदान है, तो मुझे कहीं लगता है कि जो हमारा जो उद्देश्य है कि अमन और शांति का पैगाम घर घर तक पहुँचाना, ऐसे कार्यक्रमों के द्वारा ये सचमुच हम लोगों तक पहुँचा सकते हैं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आयोजन किया गया है महामेडिकल कैंप और कल जो है खास करके मेगा जॉब का भी आया, जॉब फेयर का भी आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह अंधेरी सबर्पण हलाय मेमन जमात ये हमारे यहाँ की जो संस्था है मेमन जमात की, बहुत ही दिल से और डेडिकेशन के साथ में ये पूरी टीम हमारी काम करती है, खास करके मैं रजाक भाई, हमारे इकबाल भाई, हनीफ भाई, रफीक भाई और पूरी टीम, में सबके नाम नहीं लेता हूँ क्योंकि जब काम होता है तो पूरी टीम होती है। तो यहाँ पे आने में हमें खुद प्रसन्नता होती है। कल भी यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद पर जॉब मेला हुआ और तकरीबन जगह पे तकरीबन 2000 लोगों को जॉब मिला, ऐसे मुझे मेरी जानकारी में है, और आगे जा कर के भी सारे जॉब आगे चल कर के लोगों को मिलने वाले, मतलब लोगों को जो यूथ को जॉब का प्रॉब्लम हो तो सॉल्व करने का काम हो, हमारे यहाँ पे जो बच्चे पढ़ लिख कर के आगे बढ़ते हैं तो उनको हौसला अफजाई करने के लिए उनका सत्कार का कार्यक्रम हमारे अपनी संस्था के माध्यम से आयोजित किया जाता है। अभी यहाँ पे बड़े पैमाने पे मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है जिसमें मोतियाबिंद के ऑपरेशन फ्री हो रहे, बाकी सारी एम्यूनिटीज़ यहाँ पे सुविधा मुहैया कराई जा रही है। तो ये जो क्लियरली समाज के प्रति डेडिकेशन रखने वाले हमारी अंधेरी सबर्पण हलाय मेमन जमात है, मैं इन सभी को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। इनसे उम्र में मैं सबसे छोटा हूँ ज़्यादा करके, लेकिन फिर भी मैं अभिनंदन करूँगा क्योंकि काम का अभिनंदन होता है, और इंशाल्लाह मैं अल्लाह ताला से, भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि हमारे इस जमात के सारे लोगों को शक्ति प्रदान करे, ताकत प्रदान करे, उन्हें पूरा ब्लेसिंग मिले, उनके ऊपर पूरी अल्लाह ताला की मेहर हो, भगवान की मेहर हो, और इस तरह से और भी हमारे जोगेश्वरी और अंधेरी के इलाके के लोगों की सेवा करें। तो तहे दिल से मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने खास करके बढ़ चढ़ करके, अच्छा इनके साथ में केवल हमारे यूथ जो है, हमारे जमात के यूथ जो है वो भी काफ़ी एग्रेसिवली अच्छा काम करते हैं, तो ये यहाँ तक काम रुकने वाला नहीं, इन्होंने अपने अगली पीढ़ी को भी तैयार किया ताकि आगे चल के ये काम चलता रहे, रुकना नहीं चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ पे बुला के मैं धन्य हूँ कि मुझे खुद को बहुत ही सुकून महसूस होता है कि ऐसे प्रोग्राम में आ करके अपना टाइम देना। देखिए अंधेरी सबर्पण हलाय मेमन जमात की तरफ से कहीं इस तरह के प्रोग्राम्स हुए इससे पहले भी, आज भी बदस्तूर
वो चालू ही है और ये कल जहाँ पर जॉब फेयर और बहुत वक्त की ज़रूरत ही है ना, जॉब फेयर है और आज के माहौल में जैसे मेडिकल कैंप हो तो ये तमाम चीज़ों की ज़रूरत है आज, और जिसकी चीज़ की ज़रूरत है वही वो कर रहे हैं और हमेशा खिदमत करते रहें, चाहे एजुकेशन फील्ड में हो चाहे हेल्थ में हो, इनकी खिदमत हमेशा रही है और तमाम लोगों के लिए, किसी एक धर्म एक मज़हब एक जात बिरादरी के लिए नहीं, तमाम लोगों के लिए आवाम के लिए इनकी खिदमत हमेशा रही है और ये आगे भी बदस्तूर चलता रहेगा ये उम्मीद करता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़े पैमाने पे इन्होंने कल और आज किया है ये बिल्कुल काबिल तारीफ़ है और इंशाल्लाह ये उम्मीद करते हैं कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करते रहें और एक यूनिटी के साथ काम होता है तो बेहतर होता है। और जहाँ मास मैरिज में भी काम करते हैं, बहुत सा ऐसा सोशल वर्क है जिनको अंधेरी जोगेश्वरी और एतराफ़ के जितने लोगों को बहुत फैस पहुँचता है, मैं आपके माध्यम से अंधेरी सबबन हलई मेमन जमात को मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि परवरदिगार इस तरह का और आगे इनसे काम ले। बहुत शुक्रिया। सर मेहनत तो ऐसी बात है ना सर, अभी जो आदमी ठान लेता है कि करना है तो उसके लिए मेहनत तो बड़ी बात नहीं है, और हमारी टीम काम करने वाली बहुत है, WMA की टीम हमारे साथ में है, हमारे अंधेरी समय वाले यूथ साथ में है, बहुत मेहनत की है, बैकडोर में बहुत मेहनत है उसके अंदर, सबको एक साथ में लाना इट वॉज अ बिग जॉब। सर फिलहाल तो कोई टारगेट था ही नहीं, लेकिन कल के टर्न अप से ऐसा लग रहा है कि टारगेट जो हम लोग ने सोचा भी नहीं था उससे अच्छा हम लोग मीट कर लिया है, बिकॉज 1900 के प्लस रजिस्ट्रेशन हुए हैं और 385 से 400 लोगों को ऑन द स्पॉट लेटर मिल गए जॉब के, और 900 बच्चे लोग को वापस से सेकेंड लॉट में बुलाया गया है। सर आगे तो बहुत सी तैयारियाँ हैं सर इसके अंदर, आगे हमारे को और दूसरे जो कैंप करने हैं जैसे अपना डायबिटीज़ के लिए हमारे वो करना है, वो भी करना है आगे आगे जाके है हमारे। कहने का मतलब ये है, इसे मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारी अंधेरी में जमात माशाल्लाह अवेयरनेस है करीबन कब से हमारा 67 से हम लोग सारे ये प्रोग्राम करते हैं, आरम्भ करने वाला बहुत वो करते हुए अभी रजे बाबू के भाई जी उन्होंने भी इसी ये काम को और ज़्यादा बढ़ाया, क्योंकि ब्लड एक ही है ना, तो सब में काम करने की जिज्ञासा और मदद सबसे ज़्यादा है, तो हम लोग ये करना चाहते हैं जैसे हमारे एस एम भाई गढ़ा वाला है जो WMO के प्रेसिडेंट इन लोग के साथ सरकार से भी काम हुआ है और हम लोग इंडिविजुअली भी काम करते हुए ये हमारे में केवल गुजरात काड़ा माथा और यानी काले बाल वाला जो आदमी होता है ना वो कुछ भी कर सकता है जब उसको हिम्मत दे, तो हम लोग ये है कि हम लोग को ये मेहमान लोग अलग अलग को ताकत दी है, अलहमदिल्ला हम बड़े से बड़ा कार्य करते जाएंगे और करते रहेंगे इन शाला। अस्सलाम वालेकुम। WMO इंटरनेशनल जो मेनली भी हम लोग जो काम करते हैं इंसानी ह्यूमैनिटेरियन के लिए होता है विदाउट कास्ट एंड क्रीड, तो उसका वन ऑफ द पार्ट है जॉब फेयर जो हम काफ़ी सिटीज़ में कर रहे हैं और कॉन्स्टेंटली इंडिया के बहुत सारे सिटीज़ में हम लोगों ने मेगा यहाँ तक के कुछ जगहों पे तो हजारों की संख्या में जॉब्स में लोगों को हुआ है, और सेम चीज़ मेडिकल कैंप है जो हमारा एक रूटीन सिस्टम है जिसमें सिर्फ मेडिकल कैंप में WMO सिर्फ लोगों को देखती नहीं है, उनका ऑपरेशन से लेके उनकी दवाइयां से लेके आफ्टर लेट उसके बाद के भी जो फॉलोअप्स हैं वो WMO का एक पार्ट है। जैसे तीसरा हमारा मेट्रोमोनल है, हमने लास्ट टाइम भी ये वाले इसमें जिसको हम लोग परिचय मेड़ा बोलते हैं उसको वो भी करते हैं, और हमारे काफ़ी मेडिकल कैंप्स हैं आगे भी हमारी काफ़ी लोगों के साथ जुड़ के कुछ एम्बुलेंसेज वगैरह बॉम्बे या महाराष्ट्र के सबब गुजरात के सबब में जाएगी और वहाँ जा के गिफ्ट ऑफ साइट जो हमारा एक मेन वन ऑफ द लीडिंग प्रोजेक्ट है जिसमें हम एनीथिंग रिलेटेड टू आई फ्री में होता है, और आगे भी बहुत सारे मतलब WMO का हमेशा काम यही है फॉर एजुकेशन
मेडिकल हेल्प, हाउसिंग और वर्ल्ड वेमन ऑर्गेनाइजेशन जिसको अभी हम लोग लीड कर रहे हैं, लेकिन WMO NIC की टीम जो है वो काफ़ी स्ट्रांग है और उनके साथ अगर कोई भी जमात जिसको भी अगर आना है और आगे भी अगर किसी को जुड़ना है तो हम हमेशा उनको हर तरीके से साथ में रहने के लिए रेडी हैं। सबसे पहले तो माई सेल्फ डॉक्टर अजीत जैन एंड मेरे साथ में हैं डॉक्टर राजीव बानेल, डॉक्टर अरुण वखारिया जी। सबसे पहले तो हलाई मेमन समाज का मैं धन्यवाद करूंगा क्योंकि जब यहाँ पे ये कैंप की शुरुआत हो रही थी तो आज से एक महीने पहले ये काम शुरू हुआ और ये समाज मेरे पास आई। इकबाल भाई कपड़िया जी आए मेरे पास में, उन्होंने कहा कि ऐसा एक कैंप करना है। सो हमने दिगंबर जैन डॉक्टर्स फाउंडेशन की तरफ से सारे के सारे डॉक्टर्स एंड लिंक वे नर्सिंग होम ICU एंड मल्टी स्पेशलिटी की तरफ से सारे के सारे डॉक्टर्स, स्टाफ, इंटेंसिविस्ट सभी हैं। ये कैंप पूरी तरह से आयोजित किया गया है और यहाँ पे सभी डिपार्टमेंट है, राइट फ्रॉम रजिस्ट्रेशन से शुरू होता है। सबसे पहले पेशेंट का BP, शुगर, SpO2, ऑक्सीजन लेवल एंड वजन देखा जाता है, टेम्परेचर देखा जाता है। उसके बाद में जनरल डॉक्टर्स उनको देखते हैं एंड उसके बाद में जैसे भी जो भी डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, चाहे वो ECG निकालना है, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाना है, ENT को दिखाना है, गायनेक को दिखाना है, डेंटल को दिखाना है, आई चेकअप है, एक्यूप्रेशर है, फिजियोथेरापी है एंड इस तरह के वेरियस डिपार्टमेंट हैं हमारे पास में। आज करीबन 16-17 डिपार्टमेंट चल रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छा क्राउड है। दिन भर में हम 1,000-1,500 पेशेंट्स इसका फ़ायदा उठाएंगे, इसका एक्सपेक्टेशन है। तो सबसे पहले मैं लिंकवे नर्सिंग होम के डॉक्टर्स एंड उनकी टीम को, दिगंबर जैन डॉक्टर्स को धन्यवाद देना चाहूँगा एंड डेफिनेटली मेमन समाज जिन्होंने सारा का सारा आज का ये बड़ा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया है। एक हमारा एक अप्रोक्सीमेटली टारगेट था जब हम डिस्कस कर रहे थे कि 1,000-1,500 लोग आज जो है पूरे दिन में, सुबह 9:30 बजे से चल रहा है, शाम को 5 बजे तक का टारगेट है। तो एक्सपेक्टेड है कि 1,000-1,500 लोग वेरियस डिपार्टमेंट का फ़ायदा उठाएंगे। डॉक्टर्स फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर के अंतर्गत हम लोग करीब 300-350 डॉक्टर्स जो रजिस्टर्ड है हमारे साथ। आगे ये जो मेमन समाज ने जो कैंप ऑर्गेनाइज किया है, हम आगे भी चाहते हैं कि ये फॉलो अप कैंप है। जैसे कि अब आज कैंप में किसी को भी जरूरत दवाइयों की जरूरत पड़ी तो आगे हम नहीं जानते कि उनके साथ क्या होगा, क्या स्थिति है, तो आगे भी हर महीने या हर 2-3 महीने के बाद फॉलो अप कैंप भी करना चाहेंगे। दिगंबर जैन डॉक्टर फाउंडेशन है, उसमें 400 डॉक्टर है हमारे साथ में। हमारा मकसद एक ही है कि जिसको ज़रूरत पड़े उसको हमको मदद करना है। हमारा कोई समाज नहीं है, सबके साथ में लेके सबको हेल्प करना है, दैट इज़ आवर मिशन। कोई भी समाज वाले हमको बुलाएंगे, हम जाएंगे और हमारी सेवा देंगे। इसमें ऐसा है कि इतने सारे डॉक्टर और पूरे जो समाज ने, आपके समाज ने जो व्यवस्था की है उसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ और उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा इंतजाम मैंने देखा और बहुत व्यवस्था, उसके लिए मैं सबको धन्यवाद करना चाहता हूँ। दूसरी बात है कि आप कभी भी आवाज़ करो, हम लोग तैयार हैं। चाहे इतने डॉक्टर को हम बुलाएंगे, सब डॉक्टर, क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। तो हेल्थ अच्छी रहेगी तो वेल्थ अच्छी होने वाली है, तो उसके लिए हम आपको पूरा सपोर्ट देंगे। थैंक यू सर। टाइमिंग को ध्यान में रखते हुए बहुत टाइम से शायद कहीं पर इतना बड़ा कैंप नहीं लगा होगा। हमने हर मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स का फॉर्मेशन यहाँ पर किया है ताकि हर तरह की दवा उनको दी जा सके। और यहीं तक नहीं, आगे चल के भी अगर वो हमसे कांटेक्ट करेंगे उसी प्रॉब्लम के लिए या फॉलोअप्स के लिए, तो हम उनकी मदद करेंगे। ये जो कंटिन्यूइंग विद व्हाट जो भाई ने कहा कि अंधेरी सबर्बन हलाई मेमन जमात और वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और हमारी दोनों की जो मेडिकल कमेटी है, उनको लगा कि अभी कोविड को मद्देनज़र रखते हुए ये नीड ऑफ द आर है, ये मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया कि ताकि मैक्सिमम लोगों को इससे फ़ायदा हो। और इट इज़ फॉर ओपन फॉर ऑल कम्युनिटीज़ और अल्हम्दुलिल्लाह हमको रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला है, पब्लिक भी काफ़ी तादाद में आ रही है और इसका फ़ायदा ले रही है और हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम उनको बेनिफिट प्रोवाइड किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो। और हम ये आगे भी और कंटिन्यू करना चाहते हैं और आगे भी इंशाल्लाह और भी जगहों पर करेंगे। क्या कहना चाहते हैं?
आज तो बड़ा खुशी का दिन है कि आज के हालात में अल्लाह ताला पाक परवरदिगार ने जब जन्म दिया है, पैदा किया है, इस दुनिया पे भेजा है, तो ज़िंदगी में हर तरीके की बीमारी आती है, उसकी मदद करने के लिए अंधेरी सबर्बन मेमन हलाई जमात ने आज जो मेडिकल कैंप का प्रोग्राम रखा है, आयोजन किया है, उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनको बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूं। और यहां पे पूरा के पूरे आयोजन मुफ्त में किया गया है, फ्री में किया गया है, किसी भी तरह का कोई पैसा नहीं लग रहा है, कोई रकम नहीं लग रही है। चाहे कैसी भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, हार्ट अटैक की बीमारी है, कैंसर की बीमारी है, आँख की बीमारी है, या शरीर के अंदर से किसी भी तरह की कोई भी बीमारी है, तो उनका मुफ्त से इलाज किया जाएगा। मैं सभी लोगों से, और जहाँ तक के मेरा पैगाम जाएगा वहाँ उन लोगों सभी लोगों से मैं ऐलान करता हूँ, पैगाम देता हूँ कि इनका फ़ायदा उठाइए और मुफ्त से, मुफ्त में, फ्री में इसका इलाज कराइए, कि जिससे आज की तारीख में किसी भी अस्पताल में आप अगर जाते हो तो अस्पताल में जाने से आपका लाखों रुपये, हजारों रुपये आपका खर्च हो जाता है, जो आज की तारीख में वो खर्च नहीं कर सकते हैं। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि इसका फ़ायदा उठाकर इसका मौका लीजिए, मौका उठाइए और मुफ्त में इलाज कराइए। और मैं इनके सबर्बन हलाई मेमन जमात को मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि ऐसे आयोजन, ऐसे प्रोग्राम हर साल हर 6 महीने में करे तो लोगों को बहुत फ़ायदा हो गया। शुक्रिया। मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा हमारे इस्माइल मकवाना साहब का, जो यहाँ पे वक्त निकाल के, उनका कीमती वक्त निकाल के आए। ये सोशल काम में बहुत हैं, बिजी रहते हैं काफ़ी, माशाल्लाह आज इनको टाइम मिला, हमारे इधर आए हैं तो हमारी महफिल की रौनक बढ़ गई है। और अंधेरी सफर हलेमन जमात का मैं वर्किंग कमेटी का मेम्बर हूँ। कल हम लोग ने जॉब फेयर किया था, उसका माशाल्लाह बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। आज मेडिकल कैंप के अंदर हम लोग इस तरह से करने के लिए जा रहे कि भाई अगर किसी को कोई ऑपरेशन की ज़रूरत भी है, कोई बीमारी की, तो उसका भी हम लोग खर्चा उठाने की कोशिश कर रहे हैं टू एन एक्सटेंड। तो इंशाल्लाह बस अल्लाह हमको कामयाबी दे, ऐसी हम लोग उम्मीद करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठाएं, ये हमारी गुजारिश है। हम लोग ये रेगुलर जॉब फेयर और मेडिकल कैंप रेगुलर बेसिस पर भी करने वाले हैं। और एक हम लोग ने भी इस तरह से और भी एक सोचा है कि अभी एजुकेशन, डिस्टेंस एजुकेशन के ऊपर जो स्टूडेंट्स को बाहर गाँव जाना होता है एजुकेशन के लिए, तो वो सारी यूनिवर्सिटीज़ या जितने भी क्लासेस वाले हैं उन लोगों से हम लोग एक वैसे भी एक ऐसा कैंप लगाएंगे जो बिल्कुल फ्री होगा, जो स्टूडेंट लोगों को बिल्कुल सही तरीके से गाइड करेगा कि उनके लिए कोर्स कौन सा अच्छा है। ये हमारा आगे का प्लान है और इंशाल्लाह और बहुत सारी ऐसी चैरिटी की बातें और काम करने का हम लोग का इरादा है। अल्लाह हमको कामयाबी दे। शुक्रिया।